इसके पहले बायोलॉजी के ए से लेकर के जेड तक सभी ब्रांचेस के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। बीच में ये दो ब्रांचेस छूट रहे थे, इनको आज देख लेते हैं। एक तो एच से स्टार्ट होने वाले बायोलॉजी के ब्रांच और दूसरा आई से स्टार्ट होने वाले बायोलॉजी के ब्रांच। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एच से स्टार्ट होने वाले बायोलॉजी के ब्रांचेज के बारे में, जिसमें पहला है हेरिडिटी। हेरिडिटी के अंतर्गत जेनेटिक्स, कहने का मतलब वेरिएशंस और अनुवांशिक लक्षण कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। अगला है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में टिश्यूज़ का अध्ययन करते हैं। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में क्या कहते हैं, विभिन्न वेराइटीज़ के जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और प्लांट्स हैं, इसके डेवलपमेंट का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी में ब्लड की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हेलमेंथोलॉजी। हेलमेंथोलॉजी में वर्म्स का, हिपेटोलॉजी में लीवर्स का और हर्पीटोलॉजी में रेप्टाइल्स का अध्ययन किया जाता है। आई से स्टार्ट होने वाले बायोलॉजी के ब्रांचेस को देख लेते हैं। पहला इसमें है इस्थियोलॉजी। इस्थियोलॉजी में डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है इक्नोलॉजी। इक्नोलॉजी में फॉसिल्स, फूड प्रिंट्स का अध्ययन किया जाता है। इकेबाना। इकेबाना में फ्लोरा के अरेंजमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। और सबसे लास्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में इन्फेक्शन से कैसे बचाव किया जाए, बॉडी डिफेंस के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार का अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से आज आपका ए से लेकर के जेड तक सभी ब्रांच पूरा हो गया। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आती हो या कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।